सब्सक्राइब करिए विक्ट्री लैब को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक वीडियोस पहुंचते रहे रेगुलरली और आपका और मेरा संबंध होता रहे और विश्वसनीय और मजबूत। तो आज के वीडियो में बात करने वाले बिना सीजीपीटी दिए कैसे बीआईटी दुर्ग में एडमिशन ले। मैं मैनेजमेंट कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैनेजमेंट कोटा की बात कर आप सोच रहे हैं कि मैं करूँगा तो आप बिल्कुल इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, आप अपना अनमोल समय कहीं और लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जेई मेन के थ्रू आने की, और जेई मेन में भी कुछ यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ हैं आपको समझना है। अगर आप देखो, सबसे पहले तो आप अगर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो तो आपको सीजीपीटी देना तो मैंडेटरी है, सीजीपीटी देना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप सीजीपीटी नहीं दोगे तो आप बीआईटी दुर्ग में कैसे आओगे। लेकिन अगर आपने सीजीपीटी दिया है स्टिल आपका सीजीपीटी में बहुत अच्छा रैंक नहीं है, फिर भी बीआईटी दुर्ग आने में, तो इसके कुछ तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए। हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है जीआरसी और दोस्त आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि बिना सीजीपीटी दिए बीआईटी दुर्ग में एडमिशन कैसे मिलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सीजीपीटी देते हैं या फिर छत्तीसगढ़ में रह के इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। और मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि वो क्या बीआईटी दुर्ग में पढ़े, बहुत सारों का रहता है कि वो जीईसी में पढ़े, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी फ़ीस भी कम है और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने की भी इच्छा रहती है। उसमें से मेरे हमारे मित्र भी हैं वो वहाँ पढ़ते हैं, तो उनकी इच्छा भी थी वहाँ पढ़ने की। लेकिन बहुत सारे होपफुली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बीआईटी दुर्ग से थोड़ा लगाव होगा, क्योंकि बीआईटी दुर्ग कमाल की जगह है, कमाल की जगह है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। और स्पेसिफिकली मेरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में तो ज़बरदस्त फैकल्टीज हैं, ज़बरदस्त। देखो मैं जनरली किसी की ऐसे तारीफ़ नहीं करता, मैं क्रिटिसिज्म करने में बिलीव रखता हूँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना, डिस्ट्रक्टिव नहीं, लेकिन कमाल के हैं, ठीक है। तो बहुतों का सपना रहता है यहाँ पर। तो आज के वीडियो में बात करने वाले बिना सीजीपीटी दिए कैसे बीआईटी दुर्ग में एडमिशन ले। मैं मैनेजमेंट कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैनेजमेंट कोटा की बात कर आप सोच रहे हैं कि मैं करूँगा तो आप बिल्कुल इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, आप अपना अनमोल समय कहीं और लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जेई मेन के थ्रू आने की, और जेई मेन में भी कुछ यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ हैं आपको समझना है। अगर आप देखो, सबसे पहले तो आप अगर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो तो आपको सीजीपीटी देना तो मैंडेटरी है, सीजीपीटी देना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप सीजीपीटी नहीं दोगे तो आप बीआईटी दुर्ग में कैसे आओगे। लेकिन अगर आपने सीजीपीटी दिया है स्टिल आपका सीजीपीटी में बहुत अच्छा रैंक नहीं है, फिर भी बीआईटी दुर्ग आने में, तो इसके कुछ तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला तरीका है कि क्या होती है कि कुछ यहाँ पर जो सीट्स रहती है ना वो जेई मेन के थ्रू फिल होती है, जो दूसरे राज्य से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनसे उनके लिए यहाँ पर क्या वो सारी सीट्स भरी जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले सीजीपीटी की सीट्स भरेंगे, उसके बाद जेई मेंस, मतलब कुछ सीट्स जब रिजर्व रहती हैं जो दूसरे राज्य से बच्चे आते हैं, तो ये दोनों की जब सीट्स भर जाएगी सीजीपीटी प्लस जेई मेन वाली, उसके बाद कुछ सीट्स खाली रहती है, तो उन खाली सीट्स में वो सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के जिन्होंने क्या है जेई मेन दिया था, और वो जेई मेन के मार्क्स से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है, कभी कभी क्या होती है ये दिक्कत आपको फंस सकती है कि अगर आपने सीजीपीटी अटेम्प्ट ही नहीं किया है, मतलब सीजीपीटी एग्ज़ाम दिया ही नहीं है एंड स्टिल आप जेई मेन के मार्क्स के थ्रू आ रहे हैं और आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, तो आपको बाद में जाके दिक्कत हो सकती है। कब दिक्कत, जब मैंने कहा कि सीजीपीटी वाला भी फुल हो जाएगा और जेई मेन कोटा भी फुल हो जाएगा, तो कुछ सीट्स बची रहेंगी ना, तो वहाँ पर जनरली उन स्टूडेंट्स को पहले प्रिविलेज या एडवांटेज दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल रखते हैं और जेई मेन के थ्रू आ रहे हैं, कंपेयर टू जो छत्तीसगढ़ के हैं और डोमिसाइल, मतलब डोमिसाइल भी है लेकिन सीजीपीटी नहीं दिए हैं और जेई मेन के थ्रू आ रहे हैं। तो जिन्होंने सीजीपीटी दिया है छत्तीसगढ़ के हैं उनको पहले यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव अगर उनका सीजीपीटी में स्कोर कम है तो भी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे बीआईटी दुर्ग में जो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल बात ये हो जाती है कि आपको सपोज कंप्यूटर साइंस चाहिए, क्योंकि बीआईटी दुर्ग का कंप्यूटर साइंस सबसे पहले फुल होता है, ठीक है, लोगों की चॉइस रहती है कि वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि कंप्यूटर साइंस की सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो जाती है। तो अगर आप वेट करते हो सकता है कि क्या आप यहाँ पर एक और बात होती है कि आपका रैंक अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिले। मैं एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर साइंस में डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको मिले तो लोग क्या करते हैं सीट विड्रॉ कर देते हैं पहले दूसरे राउंड पे, उसके बाद एंड राउंड में जाते हैं फिर सीएससी के लिए सीट भरते हैं, तो ये रिस्की हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा ऐसा रिस्क लेने के लिए, बट बहुत सारे लोग काफ़ी डेयरिंग होते हैं भाई, रिस्क लेते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप जेई मेन या फिर
पीटी में कम स्कोर करके भी आप आ सकते हैं। तो आपको जेई मेन एटलीस्ट क्या करना है, कट ऑफ कोशिश करना क्लियर होना है, और अगर कट ऑफ क्लियर भी नहीं हो तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है सबको। तो अगर 81 कट ऑफ है तो आपका मार्क्स जो है 85, 90, 92 तक भी होगा तो चलेगा, या फिर आपका कट ऑफ 80, अगर सपोज 81 है कट ऑफ, तो जेई मेन जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो आपका मार्क्स अगर 70, 75, 65 भी है तब भी चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपका पीईटी में कम मार्क्स है, आपने पीईटी दिया है कम मार्क्स है तो आपको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, और पीईटी नहीं दिया है और कम मार्क्स और पीईटी नहीं दिया और जेईई मेंस के थ्रू आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो हार्ड एंड फास्ट चीज़ें कुछ नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी चीज़ों में रहती है, इन सभी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बाकी सारी जो चीज़ें रैंक के वाइज सीट मिलती है तो वो तो मिलेगी ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें थी जो आपको इनसाइट्स पता होनी चाहिए, एंड बस इतना ही इस वीडियो में। कोई भी पर्सनल क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मतलब पर्टिकुलरली इंस्टा पे मैसेज करिए, फॉलो करिए, मैसेज करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी CGPT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमाल की वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ दोस्त, और इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे ना, अंडर 100 रैंक तो ले आओगे यार, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। और बुरी से बुरी हालत में कोई भी स्टूडेंट कोई भी 500 रैंक तक ला सकता है, क्योंकि 500 लाना भी टफ नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।